दो के पास से असलाह भी बरामद हुआ है, जिनकी गिरफ्तारी की गई, तो आरिफ और रियाज दोनों के पास से एक एक तमंचा और एक एक कारतूस भी बरामद हुआ है। क्या मोटरसाइकिल दोनों तरफ से था, मास्टर की भी और लॉक भी तोड़ते थे, लॉक तोड़ने का भी इनका काम था। गिरोह में और भी हैं और भी इनके गिरोह के लोग हैं, तो हम लोग जो छानबीन कर रहे हैं। डीसीपी पश्चिमी राहुल राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गाड़ी चोर गिरोह का किया खुलासा। आपको बता दूं, थाना ठाकुरगंज पुलिस द्वारा जनपद लखनऊ में विभिन्न जगह से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही गिरफ्तार किए गए चोरों के पास से 7 मोटरसाइकिल, 2 देसी चमक तमंचे, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आपको मैं बता दूं, पकड़े गए आरोपी आरिफ मोहम्मद, आसिफ शमशाद खान, रियाज सभी लखनऊ के ही रहने वाले हैं। साथ ही ये सब ग्रुप बनाकर योजनाबद्ध तरीके से वाहनों की चोरी किया करते थे। आपको बता दूं मैं कि रियाज थाना चौक से गैंगस्टर का मुजरिम है और साथ ही पकड़े गए 3 और अभियुक्त जो हैं वो अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं उनके नाम से। इसीलिए ठाकुरगंज पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले चोरों को पकड़कर बड़ी सफलता हासिल की है। ये विगत काफी दिनों से पश्चिमी जोन के कई थानों में वाहन की चोरी हो रही थी, तो इस संबंध में मैंने एक जो है टीम बनाई थी, सभी थाना अध्यक्षों को जो अलर्ट किया गया था और एडिशनल डीसीपी हमारे चिरंजीव नाथ सिन्हा के नेतृत्व में हमने एक टीम बनाई थी, तो कल एक बड़ी सफलता मिली है। थाना ठाकुरगंज की टीम ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है कल रात में, उनके पास से 7 बाइक मिली है। जब इनको जो है हम लोगों ने ट्रैक किया तो 5 बाइक जो है ट्रेस हो गई हैं कि वो चोरी की थी, और 2 बाइक के बारे में और भी छानबीन की जा रही है। जो 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं उसमें 3 अभियुक्त तो थाना ठाकुरगंज के ही रहने वाले हैं, एक आरिफ है और दूसरा आसिफ है, तीसरा शमशाद खान है और चौथा रियाज जो है ये सादतगंज थाने का है। ये इनके बारे में जब बातचीत किया गया तो ये पता चला कि ये लोग गैंग बना करके ऐसे वाहन को जो है टारगेट करते थे जो कि बाहर खड़े रहते थे और घरों के बाहर या कहीं दुकान के बाहर, और उनका लॉक तोड़ करके जो ये चोरी करते थे। तो मेनली इनका जो है काम था कि लॉक तोड़ करके गाड़ियों को जो हटा देना, और उनको जो है ये रैकिंग भी करते थे कि कौन सी गाड़ियां ऐसी हैं जिनके शरीर कोई आदमी नहीं है, कोई वाचफुल नहीं है, तो इस तरह से ये गाड़ियों को चोरी करते थे। तो ये अच्छा गैंग वर्कआउट हुआ है। इसमें जो आरिफ है ये मल्लाही टोला थाना ठाकुरगंज का रहने वाला है और इस पर 21 मुकदमे हैं, काफ़ी मुकदमे हैं और लगभग सारे मुकदमे इस पर चोरी के ही हैं। सबसे बड़ी बात है कि चोरी के ही मुकदमे इस पर हैं। और दूसरा आसिफ है जो कि ये भी ठाकुरगंज का रहने वाला है, इस पर 9 मुकदमे हैं, ये ई रिक्शा चलाता है। और तीसरा रियाज है ये जो सादतगंज का है, इस पर भी 9 मुकदमे हैं, ये फेरी का काम करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फेरी का काम करने वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं और पुताई का काम करने वाले, जैसे आरिफ है पुताई रंगाई पुताई काम करता है, तो ये लोग घरों में जाते हैं देखते हैं और वहाँ आसपास जो भी गाड़ी रहती है उनको जो है ये लोग रिमूव करते हैं। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।